हेलो माय डियर फ्रेंड, देखिए मेरे भाई, आज जो है आप लोग को मैं बता रहा हूँ, आप लोग बार बार बता रहे हैं कि सर ये क्या वीडियो है, क्या बना रहे हैं। तो मैं बताया तो बिहार बोर्ड का बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, ठीक है, ये काम कर लो वरना सीधे बाहर एग्जाम से, अचानक बड़ा फैसला। तो हाँ मेरे भाई, आप लोग को बहुत ही शुरू से ही आप लोग कहते थे कि सर एग्ज़ाम फॉर्म का डेट कब तक भरेगा। तो मैं आप लोग को पूरा जानकारी देने वाला हूँ कि एग्ज़ाम फॉर्म का डेट कब तक भरेगा। साथ ही साथ जो पिछले वर्ष फेल स्टूडेंट थे उनके लिए यह वीडियो है। साथ ही साथ जो जो जिनका जिनका एग्ज़ाम फॉर्म का डेट मतलब छूट गया है, नहीं भराया है, तो कब तक बढ़ेगा से मतलब कि जो एग्ज़ाम फॉर्म का डेट, वो सभी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को सेंटर ऑफ एग्ज़ाम का जो है न्यू पैटर्न लागू कर दिया गया है कि कितना नंबर पर पास कर दिया जाएगा, ठीक है, और जो जो सेंटर ऑफ एग्ज़ाम में पहुँचेंगे उनका उनका प्रैक्टिकल में नंबर कितना मतलब कि नंबर कटेगा या नहीं कटेगा, तो वो सभी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। यदि आप लोग नए नए हो तो आप लोग पूरा देखें और पूरा समझें, ठीक है, बिना स्किप किए हुए, क्योंकि कितना दे मतलब कितना दिन सेंटर एग्ज़ाम का जो है रूटीन कब जारी किया जाएगा, ये कब हो गया है या कब से एग्ज़ाम है, वो तो आप लोग जानते हैं कि 11 अक्टूबर से है। साथ ही साथ पूरा चलिए डिटेल में बताता हूँ आप लोगों को। तो आप लोग को एडमिट कार्ड का भी आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है सेंटर ऑफ एग्ज़ाम का। तो चलिए ये सभी जानकारी आप लोग को यहाँ से मिलने वाला है। क्या करना है, गूगल या क्रोम ब्राउजर पर आना है, सर्च करना है स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार। आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे आप लोग को इस तरह का इंटरफेस दिखेगा ऐसा। तो आप लोग को इस पर क्लिक कर लेना है, स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार लिखना है यहाँ पर, ठीक है, और इस तरह का इंटरफेस आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं। आप लोग को ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, एकदम जेन्युइन ओरिजिनल न्यूज़ है, ठीक है। तो चलिए इस तरह से खुलेगा, तो इस तरह से खुलेगा तो इस पर आप लोग एक बार ओपन कर लेंगे या क्लिक मार देंगे, जिससे आप लोग को सभी जानकारी आसानी से मिल जाए। फिर ऊपर क्यों रहेंगे और न्यू अपडेट पर क्लिक करेंगे, किस पर, न्यू अपडेट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए न्यू अपडेट पर हम लोग क्लिक किए, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोग को इस तरह का इंटरफेस आएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति फॉर्म डेट बढ़ा दिया गया, यहाँ से जाने, ठीक है, और आप लोग को एडमिट कार्ड का लिंक यहाँ दे दिया गया है, और पैटर्न वाला यहाँ दे दिया गया है, और रूटीन वाला यहाँ दे दिया गया है, ठीक है। चलिए तब सबसे ऊपर वाला पर हम लोग डेट वाला में हम लोग क्लिक करते हैं, और इसमें आप लोगों को जो है पूरा बात नीचे बताया गया है, खुशखबरी यहाँ पर क्या है खुशखबरी, यह तो आप लोग आकर के पढ़ेंगे। साथ ही साथ आप लोग को पेपर कटिंग भी दे दिया गया है, ठीक है, एग्ज़ाम डेट वाला, ठीक है। अब साथ ही साथ आप लोग को खुशखबरी नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, कितना नंबर लाना है, कितना परसेंट लाना है, पिछले साल कितना लाना पड़ता था, कितना अंक लाना है एग्ज़ाम में। सो खुशखबरी नंबर 3, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा प्रीवियस ईयर में, जिससे आप लोग को एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा 2023 का। तो जब तक प्रीवियस ईयर में इस बार जो है परीक्षा पास नहीं कीजिएगा तब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो खुशखबरी नंबर 3, ठीक है, और पूरा प्रीवियस ईयर का जो है यहाँ टाइम टेबल आप लोग को जो है सेंटर ऑफ एग्ज़ाम, देखिए यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्ज़ाम का ये लिंक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार बोर्ड से जुड़ी हमेशा न्यूज़ यहाँ पर, और साथ ही साथ वायरल क्वेश्चन आंसर और व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ दे दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए फाइनल एग्ज़ाम 2023 का इम्पोर्टेंट लिंक, मॉडल पेपर कैसा रहने वाला है, तो मॉडल पेपर आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं 2023 पर आधारित, क्योंकि 60% ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। फिर 2012 मॉडल पेपर आप लोग को यहाँ, 10th मॉडल पेपर यहाँ, टेलीग्राम यहाँ से ज्वाइन जरूर करें। साथ ही साथ मोबाइल नंबर दिया गया, कोई मतलब कि दिक्कत हो यहाँ से क्लिक करके जान सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई, अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, वहाँ से पूरा जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए आप लोग खुशखबरी नंबर 1, 2, 3 तीनों खुशखबरी आप लोग जरूर पढ़िए, यहाँ पर इसमें पूरा डिटेल दे दिया गया, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग खुद से आकर के पढ़िए, ठीक है, फटाफट तेज़ी में आइए, पूरा एकदम डिटेल दिया गया है। तो चलिए मेरे भाई, इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट लाइव क्लास में, और आप लोगों को पढ़ाई के लिए PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर भेज दिया गया था कल शाम में जो लाइव क्लास कराया गया था, तो ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग जुड़ रहिए, जब भी लाइव क्लास कराया जाएगा टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, तो आप लोग पहले यहाँ आकर के पूरा जानकारी ले लीजिए। इतना ही पर बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतना ही पर, जय हिंद जय भारत।